close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello guys, welcome back to the new vlog. I hope आप लोग अच्छे होंगे. Guys, आज मैं vlog बना रहा हूँ काफी दिन के बाद, because मैं गाड़ी book किया था, उसकी डिलीवरी आज है, तो उसके सिलसिले में काफी बिजी था तो ब्लॉग नहीं बना पा रहा था. तो फिलहाल अभी तैयार हो चुके हैं हम लोग, सब जा रहे हैं, मैं, मीनाक्षी, मम्मी, आनंद भी आ रहा है, वो भी जा रहे हैं. सब लोग जा रहे हैं गाड़ी के पिकअप के लिए शोरूम, मारुति के शोरूम, वहां पर मैंने गाड़ी बुक किया है. तो चलिए फिलहाल शोरूम चलेंगे, और शोरूम से बाहर हम लोग जाने वाले मंदिर, बिकॉज मैंने सोचा कि अगर गाड़ी पिकअप करना है, गाड़ी पिकअप करने के बाद सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो मंदिर जाएंगे, गणपति बापा के दर्शन करेंगे. तो उसी लिए हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे, और सिद्धिविनायक मंदिर से होने के बाद अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग जाएंगे वाशी, वहाँ पर सीट कवर लगाएंगे, बिकॉज मैंने गाड़ी के सारे एक्सेसरीज शोरूम से ही लिए हैं. बट सीट कवर क्या होता है कि मारुति के सीट कवर बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मतलब बेकार होते हैं. तो वाशी हम लोग जाएंगे, वाशी में सीट कवर लाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा सीट कवर मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सीट कवर मिलता है. तो अगर मैं वहाँ गया तो वो भी आपको दिखाने वाला हूँ ब्लॉग में, ठीक है. चलिए फिलहाल अभी चलते हैं शोरूम, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. गाइस देखिए हमारे गाड़ी का फर्स्ट लुक अभी रिवील कर रहे हैं, तो गाड़ी को मैं अच्छे से दिखाने वाला हूँ आपको. ये देखिए मेरी गाड़ी मारुति अर्टिगा है, और ये ग्रे कलर की गाड़ी है, मैग्मा ग्रे. कितना खूबसूरत कलर है देखिए गाइस, क्या ज़बरदस्त लुक लग रहा है. अर्टिगा जो नई आई है 2024 की, देखिए पीछे से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. अभी हम लोग गाड़ी की पूजा कर रहे हैं, और सारा अरेंजमेंट शोरूम वाले ने करके दिया है, ये बहुत अच्छी बात है पूजा करने के लिए. तो हम लोग पहले शोरूम में पूजा कर लेते हैं, और शोरूम में पूजा करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे सिद्धिविनायक मंदिर, की आरती वगैरह भी चल रही है. अब मैं भी आरती कर रहा हूँ, तो सबको ही वन बाय वन आरती कर रहे हैं. अब मम्मी जी आरती कर रही हैं. तो ये आरती ख़त्म होने के बाद पूजा कम्प्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे सिद्धिविनायक मंदिर. तो गाइज़ हम लोगों ने गाड़ी का पिकअप ले लिया है, और गाड़ी में बैठे हुए हैं सब लोग. अभी हम लोग निकल रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर. सिद्धिविनायक मंदिर में भी हम लोग फिर से एक बार वहाँ पूजा वगैरह करेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे वाशी सीट कवर लगाने के लिए. तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मीनाक्षी दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ पर साइड में छिप गई है. ये है मीनाक्षी, ये आनंद. जय श्री राम, जय श्री राम. चलो अभी गणपति बप्पा, गणपति गणपति बप्पा, मिलते हैं अभी सिद्धिविनायक मंदिर. देखिए गाइस हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच चुके हैं, और मैं आपको सिद्धिविनायक मंदिर का बाहर से दर्शन करा रहा हूँ. गाइस हम लोग का सिद्धिविनायक का दर्शन कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम लोग गाड़ी पूजा करने वाले हैं. बहुत से दर्शन हो गया, वीआईपी दर्शन हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी का पूजा करने के लिए. वो भी आपको दिखाने वाले हैं. फिलहाल हम लोग मंदिर के अंदर ही हैं, देखिए अंदर का वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो हम लोग गणपति बप्पा को दिखा नहीं सकते थे, इसीलिए अभी देखिए हम लोग चल के जा रहे हैं अभी, और प्रसाद वगैरह सब कुछ ले लिया है. अभी चलिए गाड़ी का पूजा होता है, फिर आपको दिखाते हैं. सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. तीन बार पानी पी लेना, चौथी बार बाजू में छोड़ देना. केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, बाजू में छोड़ देना. गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, महाऋषिदेवाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकरदनाय नमः. बस बस वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, कृष्णाय नमः, लोकेशाय नमः, नारसिंहाय नमः, सुचिताय नमः, जनार्दनाय नमः, देवराय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमः, वरदमूर्तये श्रीमन्नः, गणाधिपतये नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो. तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग पहले शोरूम में पूजा करने के बाद फिर मंदिर में पूजा करेंगे.
सिद्धि विनायक मंदिर में, तो वो हम लोग सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखिए पंडित जी पूरे विधि से पूजा कर रहे हैं। देखिए गाइस गाड़ी के ऊपर पंडित जी ने कितना अच्छा स्वास्तिक बनाया है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा धैर्य ध्यानार्थे नमस्कारान् समर्पयामि सिद्धि विनायक संघाय सहपरिवार देवताभ्यो नमः अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि ऋतुकालोद्भव नाना विविध प्राप्त पुष्पाणि समर्पयामि सिद्धि विनायक संघाय सहपरिवार देवताभ्यो नमः सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादितेभ्यं वाससि प्रतिगृह्यतां सिद्धिविनायक संघाय सहपरिवार देवताभ्यो नमः। ये वस्त्र है ना गणेश भगवान के पीछे पूरे डैशबोर्ड की चला सिद्धिविनायक संघाय सहपरिवार देवताभ्यो नमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे प्रत्यक्ष वस्त्रं समर्पयामि। गाड़ी की चाबी निकाल उसकी पूजा करनी अवतारमस्वतारमयस्वंचिन्मय तमानंदमय स्व ब्रह्ममय सच्चिदानंदाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तपोव्याधि सर्वं जगदिदं तपस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तेनिमेषति सर्वं जगदिदं तेजरत्येति त्वं भूमिरापो नमो नमो नमः चत्वारि वा प्रमाणिकं गुणप्रियादितः त्वं देहद्रयादितः त्वं कलद्रयादितः सिद्धि विनायक संघाय ऐसे 6 बार अर्पण कर दें। लड्डू का नैवेद्यम समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा दोनों नारियल के थोड़ा थोड़ा अक्षर चढ़ा वातात्मजं वा लोकमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं तपस्ये मंगलमूर्ति मोरया सिद्धि विनायक भगवान की जय। तो गाइज हम लोग का पूजा हो गया, गाड़ी का भी पूजा हो गया, सिद्धि विनायक भगवान जी गणपति बप्पा का दर्शन भी कर लिए, गाड़ी का पूजा भी कर लिए, ठीक मंदिर के सामने सब कुछ हम लोग का कंप्लीट हो चुका पूजा वगैरह। और अभी हम लोग चल रहे कुछ खाना वाना खाएंगे, बहुत जोर की लग गई भूख, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो वासी जाएंगे, नहीं टाइम मिला तो नहीं जाएंगे, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में, तो गाइज हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुके हैं और खाना खा के बहुत मज़ा आ गया, इतने टाइम से हम लोग भूखे थे सुबह से, फाइनली कुछ खाने को मिला और खाना बहुत टेस्टी था। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, काफ़ी थक गए हैं और वाशी का प्लान भी आज कैंसिल कर दिया क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, अब संडे को जाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं घर। हे गाइस तो फाइनली बैक होम और अभी जा रहा हूँ मैं, कपड़े चेंज करूँगा, फिर थोड़ा फेस वॉश करूँगा, थोड़ा शावर वगैरह करूँगा, उसके बाद सोऊंगा मैं, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया यार, अभी
10:30 बज गए और सुबह के निकले थे 12 बजे। सोचिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आप लोगों ने देखा होगा कितना अच्छा हम लोगों ने पूजा किया, गाड़ी का मंदिर में किया और शोरूम में किया, हर जगह हम लोगों ने पूजा किया। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग बताइएगा गाड़ी का कलर कैसा लगा आपको, गाड़ी कैसा लगा, जब चीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ मत भूलिएगा, प्लीज़ हर लोग एक कमेंट एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय। नंबर देखो, नंबर देखो, 5 नंबर वही है।